नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत, बीडीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। देखिए साहब, अभी जो है मलकाजगिरी एरिया से जो है तकरीबन 20-25 अफराद मेरे पास आए थे और दो मसाजिद की कमेटी के लोग थे ये। और बड़े हैरत की बात है कि इन दोनों मसाजिद में जो है पुलिस की जानिब से, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मलकाजगिरी की जानिब से नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पहले जो है कि मस्जिद अबू बकर जो आईएन नगर में है, 200 स्क्वायर यार्ड में ये मस्जिद कायम हुई थी 2018 में। और 2018 में जो है ये कायतम राजिंदर का कोई प्लाट था। शेख सईद अहमद साहब जो है 5 नवंबर 2018 के दिन ये मस्जिद को ख़रीद के मस्जिद के लिए डोनेट किए थे। तो इस मस्जिद में 2018 से मुसलसिल नमाज हो रही थी और एक साहिब खैर हजरात जो है इस मस्जिद को तामीर करने के लिए काम चालू किए थे, लेकिन लॉकडाउन में काम रुक गया था। अब कुछ दिन पहले जो है मलकाजगिरी इंस्पेक्टर जो नए आए हैं, मलकाजगिरी के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस को बुलाकर जो है ये मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना, कुछ स्टे है, फलाना है, तामीर रोकने पर स्टे है। तामीर रोकने पर अगर स्टे है तो नमाज पढ़ने पर नहीं है स्टे, तो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कैसा रुका सकते नमाज वहाँ पर पढ़ने से, जबकि 2018 से नमाज हो रही है। वहाँ पर पता चला है कि कोई लोकल टीआरएस का है, कोई श्रीनिवास यादव मिनिस्टर साहब का साला है, अपने आप को साला बोल रहा हो है या नहीं है नहीं मालूम, कोई जडला नागराज, कोई मंडल राधा, ये दो आदमी मिलकर मुसलसिल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेना करके ये मस्जिद अबू बकर में नमाज होने से रुका रहे हैं। दूसरी एक और एक है मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद मोहम्मदिया, जो पटेल नगर मलकाजगिरी में है, जो 170 स्क्वायर यार्ड दो प्लाट्स पे है। तो इस मस्जिद में भी जो है पहले रमज़ान से नमाज चालू की गई थी, लेकिन दूसरे दिन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मलकाजगिरी वहाँ पर बुलाकर जो है वहाँ पर भी नमाज को रोक दी। तो मुसलिया ने दोनों मस्जिदों के कमेटी के लोग जो है वहाँ के जो कारपोरेटर है सुनीता रामू यादव कारपोरेटर टीआरएस के पास गए, जाके उनसे मिले। फिर उसके बाद में वहाँ के जो एमएलए है मैनापल्ली हनुमंतराव टीआरएस के, उनसे मिले। लेकिन टीआरएस के कारपोरेटर टीआरएस के एमएलए इसके अंदर कुछ बोलने से गुरेज है, खाली मुसलमानों के वोट होना इनको, लेकिन मुसलमानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं करते। तो आज मेरे पास आए थे, मैं अभी हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम मोहम्मद सलीम साहब से बात किया हूँ और ये कमेटी के अराकिन वहाँ पर गए हैं उनसे मिलने के लिए। मेरा मुतालबा है चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से कि दिन पे दिन फिरका परस्ती बढ़ते जा रही है तेलंगाने में, आपकी लापरवाही, आपकी हुकूमत की लापरवाही की वजह से पुलिस की खाकी वर्दी जाके आरएसएस की चड्डी में तब्दील होते जा रही है। चीफ मिनिस्टर से मेरी गुजारिश है कि इसका सख्त नोट लेकर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मलकाजगिरी के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करें, सख्ती से इनके खिलाफ में कार्रवाई करें कि आया ये नमाज क्यों रोक रहे हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई जाके हाई कोर्ट से स्टे लाया, सिविल कोर्ट से स्टे लाया, तो आप तामीर रुकवाइए, लेकिन नमाज के ऊपर कुछ वो स्टे नहीं है। दोनों मस्जिदों को नमाज को रोका गया है। मस्जिद मोहम्मदिया का तो कोई वाकया नहीं है जो पटेल नगर में है सो, लेकिन उसमें भी नमाज को रोका गया है। ये इलाका जो है रचाकुंडे को आता है, रचाकुंडा कमिश्नर जनाब महेश मुरलीधर भगवत से भी मेरा मुतालबा है कि आप खुद पर्सनली इसके ऊपर इंस्पेक्शन करिए। इंस्पेक्शन करके दोनों मसाजिद में नमाज तरावी और तामीर को चालू कराइए। आप एक सेकुलर ऑफिसर है, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और मैं डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी से भी मुतालबा करता हूँ कि इसको एक और एक बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद मत बनाइए, इसको जल्द से जल्द इसके अंदर नमाज चालू करिए। शुक्रिया, यार जिंदा, सोबत बाकी। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बीटीएस न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।